ऐसा कई बार होता है कि हम रोज रोज वाली सब्जी खाकर बोर हो जाते हैं और घर वाले भी चाहते हैं कि कुछ नया बनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुपर टेस्टी झटपट बनने वाली रेसिपी, ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट बन भी जाती है। अगर आप हॉस्टल या फिर पीजी में रहते हैं तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें डाले हैं सरसों का तेल। तेल गरम होने के बाद हम डाल देंगे सरसों दाना, कटी हुई लहसुन, इसे अच्छे से भूनेंगे। फिर हम डाल देंगे कटी हुई प्याज, प्याज को भी अच्छे से भूनेंगे। लगातार हमें 2 से 3 मिनट तक प्याज को भूनना है, जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। फिर हम डाल दिए हैं 2 मिर्च बीच से कट करके। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, मतलब प्याज भुन गई है। फिर हम इसमें डाल दिए हैं 2 कटे हुए टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढककर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, टमाटर गलने लगे हैं। इसे एक बार और चलाएंगे हम। फिर इसमें हम नमक डाल देंगे। आप नमक जब टमाटर डालो तभी डाल दो, इससे टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। नमक हम पहले भी ऐड किए थे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ी सी पानी डालकर मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो जले ना। मसाला को 1 मिनट तक भूनेंगे। जब तेल अलग होने लगे, मतलब मसाला पक गया है, मसाला भुन गया है, फिर हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी में अच्छे से उबाल आने दें। पानी में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम ये मोटी वाली सेब डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसे भी पकाना है हमें, इसे ज़्यादा ना पकाएं। फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बनाओ तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको ये काफ़ी पसंद आएगी और झटपट बन भी जाती है। यहाँ पे हम धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। सेब टमाटर बनके तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी बच्चों को भी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।